भागलपुर धर्म प्रांत के देवरी प्रखंड के बेलाटाड़ में पवित्र क्रूस की दया की धर्म बहनों के 50 वर्षों की प्रेरित कार्यों के स्वर्णिम इतिहास की एक झलक। भागलपुर धर्म प्रांत के बिशप उर्बन मेघाली के आमंत्रण पर गरीबों की मसीहा होली क्रॉस धर्म समाज की प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर सिगरेट वोगल बेलाटाड़ के संथालों की दयनीय स्थिति से रूबरू हुई और 22 दिसंबर 1972 को बेलाटाड़ पल्ली पुरोहित फादर जेकब के आवास के गृह प्रवेश में आई। होली क्रॉस प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर सिगरेट वोगल ने 23 दिसंबर 1973 को सिस्टर मेरी रोज पांडे और महेश मुंडा से सिस्टर तारा को और 1974 में सिस्टर अर्चना मिंज सिस्टर एडिथ लकड़ा को बेलाटाड़ की भूमि पर प्रेरित कार्य हेतु भेजा। फादर जेकब ने इन धर्म बहनों के लिए पैरिश अहाते में ही एक मिट्टी का घर दिया। यद्यपि ठंड और गर्मी में जमीन एवं चट्टाई पर सोना कठिन था, फिर भी प्रेरित एवं प्रेरणादायी कार्य शुरू किया गया। पहले लोगों में इतनी गरीबी थी कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, भोजन का अभाव था और शिक्षा तो शून्य थी। स्त्री पुरुष अर्धनग्न अवस्था में विचरते थे। लोगों का जीवन बहुत दुखदायी था। धर्म बहनों ने लोगों के साथ जंगल पहाड़ और खेतों में भी कार्य किया। वर्ष 1976 में 3 माह के लिए 53 होली क्रॉस पोस्टुलेंस आई थी, जिनके द्वारा महिलाएं साड़ी पहनना सीखी। सिस्टर मेरी रोज पांडे के निरीक्षण में सबसे पहले गृहिणी भवन का निर्माण किया गया, इसके बाद कॉन्वेंट, तब अस्पताल बनाए गए। दूर दराज तक विद्यालयों के नामो निशान नहीं थे। माता पिता एवं बच्चे शिक्षा से कोसों दूर थे। ऐसे में यह आवश्यक था कि सभी लोगों को साक्षर एवं शिक्षित किया जाए। सिस्टर एडिथ लकड़ा एवं सिस्टर अर्चना मिंज, जो अपना अधिकतर समय लोगों के साथ गांवों में बिताती थी, उन्होंने गाँव वासियों को शिक्षा के लिए उत्प्रेरित किया और सिस्टर सिगरेट की लगन एवं उत्साह से 6 फरवरी 1977 में गृहिणी स्कूल का शुभारंभ हुआ। सिस्टर क्रेसेंसिया कुल्लू की अगुवाई में गृहिणी प्रशिक्षण बहुत सुनियोजित ढंग से चला। साल प्रति साल गृहिणी प्रशिक्षण में लड़कियों की संख्या बढ़ती गई। पढ़ाई लिखाई के साथ सिलाई कढ़ाई बुनाई हथकरघा कपड़ा बनाना जड़ी बूटी दवा बनाना एवं रहन सहन के तौर तरीके यहाँ सिखलाया जाता था। शिक्षा का स्तर बढ़ाने में गृहिणी प्रशिक्षण ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1977 से 2022 तक लगभग 2000 कुशल गृहिणी बनकर अपने परिवारों का सही मार्गदर्शन कर रही हैं। एक मिट्टी से बने घर में ही स्कूली शिक्षा सिस्टर अर्चना मिंज के द्वारा शुरू की गई। शुरू के 3 वर्षों में पहले से 6 तक की पढ़ाई होने लगी। ईश्वर की महती दया से स्कूल को सरकारी मान्यता मिल गई और 1975 में स्कूल बिल्डिंग की नींव डाली गई। मैं श्रीमती फ्लोरा खाखा जाकर 1988 से ही काम कर रही हूँ। जिस समय मैं इस विद्यालय में आई, हमारी प्रधान अध्यापिका सिस्टर प्रदीपा मिंज थी। परेशानी का सामना करना पड़ता था। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को तो कभी कभी हाथों में पैरों में बहुत खुजलियाँ और घाव हो जाते थे, जिनको साफ करने के लिए हम सिस्टर प्रदीपा और हम और अन्य टीचर्स स्वयं तालाब के पास नीम का पानी बॉयल करते थे और उनको नहलाते एवं उनके घावों को साफ करते थे। जब हम लोगों ने कहा अभिभावक को कि उनके घावों को साफ करने के लिए या नाक साफ करने के लिए कपड़े का एक छोटा टुकड़ा भी दे दीजिए, तो ये भी नसीब नहीं होता था। मैंने इतनी गरीबी थी कि उनके पास कपड़े ही नहीं थे और बच्चों को नहलाने के लिए ले जाते थे। तो इस तरह हम लोग ने बहुत कोशिश किया उनको उनकी साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए। जब हम लोग यहाँ शुरू किए पढ़ाए तो हमारी संख्या बहुत कम थी, बहुत कम।
मैं देखता हूँ कि हर एक गांव में बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, और सबसे बड़ा अंतर ये है कि ज़्यादा लोग नहीं सोचते हैं कि हम लोग लड़की को भेजें या लड़का को भेजें। अभी सभी माँ बाप लड़का या लड़की दोनों बच्चों को अपना स्कूल भेजते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ स्कूल शुरू होने से बहुत सारे हैं, अभी हम कह सकते हैं कि बिलाटांड के स्कूल के कारण से बहुत कोई मैट्रिक पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, और बहुत सारे लोग अलग अलग नौकरियों में हैं, बहुत सारे शिक्षक बने हैं, और उसका श्रेय तो सिर्फ यहाँ की स्कूली व्यवस्था ही जाती है। शिक्षा के प्रति जागरूक होकर माता पिता धीरे धीरे बच्चों को हॉस्टल में रखने लगे। विद्यालय ने बच्चों को हर क्षेत्र में सशक्त किया। सुमराम, मैं डॉक्टर बर्नाबास हेम्ब्रम, ग्राम बुढ़िया सारे का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। आज से 50 वर्ष पहले यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के बीच में घोर कमी थी। लोग अंधविश्वास के जकड़ में बंधे हुए थे। उसी का हिस्सा मैं भी हूँ। यहाँ की धन बहनों ने हमको शिक्षा और स्वास्थ्य दिया। बचपन से ही मुझे शिक्षा के लिए प्रेरित किया और हमको बिलाटांड ले आए। बिलाटांड में शिक्षा देकर आज इस महान शिक्षा की ओर मैं अग्रसर हुआ। इन्हीं का देन है आज मैं डॉक्टर बना और अपना स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों का सेवा कर रहा हूँ। इन्हीं का महान त्याग और तपस्या का फल है आज माता पिता ना रहने के बावजूद भी मैं डॉक्टर हूँ और ऊंची शिक्षा प्राप्त किया। साथ ही मेरे भाई बहन भी शिक्षा के चलते आगे बढ़े। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि इनके ना रहने से यहाँ पर ना शिक्षा होती, ना लोग आगे बढ़ते और ना अंधविश्वास से दूर भागते। आज इतनी महान शिक्षा इन्हीं के महान त्याग और तपस्या का फल है। धन्यवाद। सफलता का यही परिणाम है कि स्कूल एवं छात्रावास में अब तो एडमिशन के लिए होड़ लगी रहती है। मैं सिस्टर प्रदीपा मिंज हूँ। मेरी नियुक्ति वर्ष 1985 ईस्वी में सुनोत क्लोज बालिका मध्य विद्यालय में प्रधान अध्यापिका के रूप में हुई। उन दिनों इस क्षेत्र की जनता शिक्षा का महत्व बहुत कम समझती थी, अतः अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते थे। मैं शिक्षक शिक्षिकाओं को दल में बांटकर गांव भेजती थी। वे घर घर जाकर बच्चों को ढूंढते थे और साथ साथ में माता पिता एवं अभिभावकों से मिलकर उन्हें शिक्षा के बारे में समझाते थे और उन्हें बच्चों को भेजने के लिए जागरूक करते थे। बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए अभिभावक आते थे। वे बच्चों की प्रतिभा को देखकर बहुत खुश होते थे और उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी और वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लगे। लोगों ने अपने मुश्किल और कठिन समय में सिस्टर्स द्वारा अपने घर परिवार और समाज के बीच सेवा कार्यों को देखा। उनकी भूख एवं कपड़े की जरूरतों को मानवीयता के आधार पर पूरा किया गया। जिनके पास घर नहीं थे उन्हें छाया मिली। बहुत मदद किया, सब मदद किया ना। घर नहीं रहा तो घर बना दिए, खर्चा भी चला रहा। मदद दिए, मदद बहुत दी है। मेरी रोज
इस प्रकार लोगों ने सिस्टर्स के प्यार स्नेह को पाया, प्रार्थना करना सीखा, प्रभु के प्यार को अनुभव एवं महसूस कर यीशु को अपना ईश्वर मानने लगे। लोगों के विश्वास को जीतने एवं मजबूत बनाने में हमारे पास्टर सिस्टर्स ने पल्ली पुरोहितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गृहिणी लड़कियों, हॉस्टल बच्चों, लोक धर्मियों एवं युवाओं के लिए आध्यात्मिक साधना, अनेक धर्म सेमिनार, धर्म क्लास, तीर्थ यात्रा, क्रूस यात्रा एवं प्रार्थना का आयोजन किया, जिससे गुरु एवं शिष्य दोनों का आध्यात्मिक विकास एवं एक दूसरे से सहयोग करने की प्रवृत्ति का विकास होता रहा। मदर मरिया तेरेसा, हमारी संस्थापिका का कथन है, वी विजिट बैटल फील्ड टू नर्स वुंडेड सोल्जर्स, वी एनक्लोज द सिक इन आवर आर्म्स, वी रिगार्ड द पुअर एंड द रिजेक्टेड एज आवर स्पेशल, लव क्वाइटन्स देयर हंगर एंड सूथ देयर पेन, इन शॉर्ट वी हरी टू एनीवेयर वेयर ह्यूमन नीड्स कॉल अस टू बी। सुखा भी, भुखमरी और अभ्रक खनारियों का दुष्प्रभाव, यहाँ के प्रत्येक जन में कुपोषण, मलेरिया, कालाजार, टीबी, कुष्ठ, दस्त बीमारियों के रूप में दिखता था। ये बीमारियां घर घर में थी। इन बीमारियों के साथ अंधविश्वास ने तो लोगों को और भी मजबूर कर दिया था। ऐसे में सिस्टरों का स्वास्थ्य पर कार्य करना अत्यंत जरूरी था। अतः 4 अप्रैल 1973 से ANM प्रशिक्षित सिस्टर मार्शिला मुर्मू और सिस्टर हेलेन तिग्गा एक अनुभवी नर्स से स्वास्थ्य का कार्य अपनी पटरी पर दौड़ने लगा। 4 जुलाई 1974 को सिस्टर गेट्रूड कालार्शल आई, जो एक नर्स थी, जो डॉक्टर की तरह रोगियों का इलाज करती थी, इसलिए लोग उनको डॉक्टर का दर्जा देते थे। सिस्टर गेट्रूड के बाद 80 वर्षीय डॉक्टर सिस्टर हरमन गिल, जो कुनकुरी अस्पताल में कार्यरत थी, उनको प्रोविंशियल सुपीरियर ने बेलाटांड में आराम के लिए भेजा। वह जब यहाँ के लोगों की स्थिति को देखी तो अपना तकलीफ पर ध्यान ना देकर आराम करना ही भूल गई और पूरे जोश से बीमारों की सेवा में लग गई। सिस्टर हरमन गिल पेड़ के नीचे ही रोगियों का इलाज करती थी। यह उनकी ही देन है कि बेलाटांड अस्पताल को GLRA प्रोजेक्ट मिला, जिनके द्वारा टीबी एवं कुष्ठ वार्ड बना। इन रोगियों की मुफ्त में इलाज, भोजन एवं रहने की पूरी सुविधा मिली। डॉक्टर सिस्टर विजया शर्मा एवं डॉक्टर सिस्टर विक्टोरिया आइंद के आने पर उनके निरीक्षण पर GLRA प्रोजेक्ट व्यवस्थित रूप से संचालित हुआ और दूर दराजों के कुष्ठ एवं टीबी रोगियों को इलाज मिलना आरंभ हुआ। कुष्ठ रोगियों तथा टीबी के रोगियों की इलाज में GLRA यानी जर्मन लेप्रोसी एंड टीबी रिलीफ एसोसिएशन का बड़ा ही योगदान रहा है। इसके तहत हमारी टीम लेप्रोसी टीम गांव-गांव जाकर लेप्रोसी और टीबी का सर्वे करती थी और रोगियों को ढूंढ निकालती थी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाती थी और जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत थी उन्हें मुफ्त दवा और खाना मिलता था और इस तरह ये रोगी ठीक होकर खुश होकर घर वापस जाते थे। और जो विकलांग कुष्ठ रोगी थे उन्हें उनका ऑपरेशन करके RCS रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके उनकी विकलांगता दूर की जाती है। इसके साथ ही सरकार द्वारा उन्हें लाभ राशि मिलती है जो कि उनके लिए एक तरह का प्रोत्साहन है। फिर डॉक्टर सिस्टर लीनेट मेरी लोबो भी आईं। दो डॉक्टर के रहने से अस्पताल चंगाई कार्य में और भी प्रभावशाली होने लगा। I am Dr. Sister Lynette, a general surgeon serving in Bellatard for the past 15 years. From the time I came here up to now, I do see a lot of changes in the health sphere. Earlier patients used to be brought on cots. Most of the pregnant ladies never had an antenatal checkup. They used to be brought in a very critical condition
so the mortality rate was very high. And now, most of the pregnant ladies have regular antenatal checkup. They are vaccinated on time and appropriately. So, the complications in pregnancy can be detected on time, and the complicated pregnant ladies can be referred on time to the higher center. Also, the mortality rate is greatly reduced. And I contribute this change particularly to the education of these girls and the women particularly. Also to the health education and the health awareness that we, the medical as well as the paramedical staff, give to the people at different occasions in the hospital as well as in the villages. But the sad thing is that the people have more trust in traditional practices like jhaad phook, due to which patients reach the hospital very late and most of the snake bite patients are brought dead to the hospital. This can also be prevented by educating the people. And our aim is to reach to the interior villages with health education and health awareness so that all the people, particularly the poor, tribals and the villages, enjoy good health. GLRA के तहत अस्पताल ने कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा स्कूलों, गांवों में पूरी टीम टीबी, कुष्ठ, एड्स जैसी जानलेवा बीमारी की जानकारी नुक्कड़ नाटक, गाना, पोस्टर्स, लीफलेट्स इत्यादि द्वारा किया। अस्पताल में दाई प्रशिक्षण के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के तरीके सिखाए गए। कारितास इंडिया के द्वारा चलाए गए फूड फॉर वर्क एंड मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर अभियान द्वारा जननी एवं बच्चों की मृत्यु दर कम होती गई। उन दिनों में मलेरिया का प्रकोप काफी चला हुआ था। बहुत से लोग गंभीर रूप से पीड़ित होकर हमारे अस्पताल में लाए जाते थे और बहुत से लोग मर जाते थे। हम यथासंभव मलेरिया का इलाज करते थे। उन्हीं दिनों में हजारीबाग जेसुइट्स के सौजन्य से हमें मोसबार तथा मोसबान बनाने का फॉर्मूला मिला और सिस्टर उषा के निरीक्षण में मोसबान तथा मोसबार बनना शुरू हुआ, बनाया गया। और इसके प्रयोग से लोग मच्छर के काटने से बचते थे और उन्हें मलेरिया नहीं होता था। इसके साथ ही जर्मनी की डॉक्टर फेलिसिटास रोलोपसन ने हमें अर्टिमिसिया पौधा, मलेरिया प्लांट, उगाने का तरीका बताया। और इस पौधे को उगाने से, इस पौधे के प्रयोग से जो शुरू स्थिति में मलेरिया होता था, उन लोगों का इलाज काफ़ी सफल रहता था। इससे लोग मलेरिया से गंभीर रूप से पीड़ित नहीं होते थे। तो ये दो चीज़ें, आर्टिमिसिया और मोसबान तथा मोसबार, ने हम मलेरिया के रोग में, मलेरिया के प्रकोप में काफ़ी रोकथाम लाई है। बीते 50 वर्षों में मेडिकल कार्य में सहयोग देने के लिए बहुत उदार हृदय सामने आए हैं, जिनके कारण 1973 से 2023 तक होली क्रॉस अस्पताल ने लोगों की जरूरत अनुसार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में आधुनिकीकरण लाते हुए काफी विकास कर लिया है। आज बेलाटांड अस्पताल 13 ब्लॉक, 325 पंचायत एवं 6000 गांवों के रोगियों का इलाज करता है। अमेरिका की डॉक्टर लोरी कलियनन एवं टीम, जिन्होंने 2007 से 2015 तक प्लास्टिक सर्जरी करने का अभियान चलाया। हम शुक्रगुजार हैं, विशेष करके सभी विदेशी शुभचिंतकों का, जिन्होंने यहाँ के रोगियों के सही इलाज के लिए मशीनों को दिया एवं स्वयं यहाँ रहकर अस्पताल में काम भी किया। डॉक्टर लोरी ने अनस्थेसिया मशीन एवं एक कार्डियक मॉनिटर अस्पताल के लिए भेंट की। जर्मनी के डॉक्टर एलियास एंग्लेकल ने एक पोर्टेबल वेंटिलेटर दिया एवं पानी की समस्या को देखकर वर्षा जल संरक्षण के लिए एक पानी टंकी भी बनवा दिया। जीएलआरए चेन्नई द्वारा एक नया एम्बुलेंस
एक दो पहिया वाहन, जनरेटर एवं जनरेटर हाउस दिया। सेंट डेमियन फाउंडेशन ने दो पहिया के दो वाहन दिए। सरकारी अफसरों, BDO, CO, पुलिस प्रशासन से जमीन संबंधी समस्या हल करने में मदद मिली एवं हमारे वर्तमान DC ने जल की समस्या देख एक डीप बोरवेल एवं मोटर घर के लिए आर्थिक सहायता दिया। बालिका शिक्षा के लिए हमने बहुत प्रयत्न किया और इसके लिए हमें फ्रांसिस्कन संस्था मिशन सेंट्राले डर फ्रांसिस्कनेर जर्मनी के द्वारा फंड मिले और इस फंड से हमने डाई ट्रेनिंग, विलेज हेल्थ वर्कर्स प्रशिक्षण तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए इसका प्रयोग किया। यह हुआ 2002 से 2014 तक। फिर हजारीबाग जेसुइट्स ने हमारी मदद की 2008 से 2014 तक बालिकाओं की शिक्षा के लिए। हम प्रत्येक को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बगानों में खेती के कार्य में लोगों को काम देकर सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी चल रही है। प्रारंभ में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, बालवाड़ी केंद्र खोले गए ताकि बच्चों में पढ़ने की इच्छा जागे। प्रौढ़ रात्रि पाठशाला में पढ़ना शुरू किए। गरीबी मिटाने के लिए अधिक पैदावार हो, इसके लिए हजारीबाग टीम 3-3 दिनों का सेमिनार देती थी, जिसमें स्त्री पुरुषों को कृषि के नए तरीके, अच्छी एवं अधिक पैदावार के तौर तरीके सिखाए गए। गांव वासियों को पशुपालन, पर्यावरण सुरक्षा, वर्षा जल संरक्षण, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वयं सहायता समूह के गठन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया। इनसे विशेषतः महिलाएं नेतृत्व में आगे आई। आज महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। समूह द्वारा पत्तल निर्माण, पशुपालन एवं सरकारी राशन दुकान भी संभालकर परिवार चला रही हैं। प्रारंभ से धर्मसंघी जीवन में धर्म बहनें एक दूसरे को उनके प्रेरितिक कार्य में सहयोग देती रहीं। एक साथ खुश मिजाज हो वे सदा प्रभु के प्यार को लोगों में बांटी हैं। वर्तमान में कुल 21 धर्म बहनें विभिन्न प्रेरितिक कार्य में प्रसन्नता से एक दूसरे को सहयोग दे रही हैं। डियर फादर्स एंड सिस्टर्स, फ्रेंड्स, collaborators, we thank you for helping us to keep the flame burning which is lit half century ago. Thank you for your encouraging presence. We are amazed at the generosity, your consideration and support you have given to our apostolic services.